सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 2024 के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है, तो कमेंट करके बताएं कि आपको राहुल गांधी जी में ऐसी तीन चीजें क्या पसंद आती हैं जिसके कारण आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी इतने सक्षम हैं कि वह भारत जैसे इतने बड़े देश की आबादी को अच्छे से चला सकते हैं? अगर कोरोना के टाइम में मोदी जी की जगह राहुल गांधी होते तो क्या देश का यही हाल होता? क्या कोरोना को राहुल गांधी भारत से भगा देते जिससे देश में एक भी मृत्यु नहीं होती? क्या राहुल गांधी देश में इतने रोजगार पैदा करने में सक्षम है जिससे देश की बेरोजगारी दूर हो जाए? आखिर है क्या राहुल गांधी में जिसके कारण सारे कांग्रेसी 52 साल होने के बावजूद भी उन्हें युवा नेता बोलने में शर्माते नहीं है? भैया अच्छी कॉमेडी करते हैं ये तो। माना कि राहुल गांधी कॉमेडी अच्छी करते हैं, जैसे कि ये ऐसे उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं, महिलाएं हैं, इनकी हमारी सरकार मदद करेगी। एक को नहीं छोड़े, ये बता रहा हूं। पकड़ पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ, मदद करनी है तुम्हारी, खड़े हो जाओ। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं। तो क्या कॉमेडी करने वाले को पीएम बना दोगे? वो तो जेलेंस्की था क्या, कॉमेडियन। देखा क्या कॉमेडी कर रहा है ना यूक्रेन के साथ। तो भैया देश के साथ कॉमेडी करने से बचना है तो 2024 में राहुल गांधी को बिल्कुल पीएम नहीं बनाना है, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को खूब शेयर करें। इतना शेयर करें कि राहुल बाबा कॉमेडी सर्कस में चला जाए। डांट पड़वा दी आपने मुझे, टी शर्ट करके मामा ने डांट मार दी मुझे। यह है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है, चर्चा ये भी है, राहुल गांधी की इमेज बदली है। आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं मेरे माइंड में, है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। क्या बोला तूने? वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? ये क्या है? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिवजी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो।